तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो जो आज की क्लास होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर नोट्स मेकिंग किस तरीके से की जाती है, नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके के नोट्स हमारे कारगर सिद्ध होते हैं हमारे एग्ज़ामों में। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक अजय रावत जी की बुक लेके आया हूँ जिसमें आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो जैसे मान लीजिए अभी इतनी मोटी किताबें हैं, अब इस किताब को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार तो आप लोग पढ़ सकते हैं, दोबारा से तिबारा आप इस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि चीज़ें हमें कहानियां पता चल जाती हैं तो थोड़ा चीज़ें बोर सी होने लग जाती हैं। अब अगर हम देखेंगे इस किताब में से हमें फैक्ट चोरी करने हैं, मतलब कि फैक्ट लेने हैं इसमें से, ताकि जो हमारे एग्ज़ाम में आए। क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, वो ना कहानी पूछेगा ना किसी चीज़ के बारे में पूछेगा, एग्जामिनर आपसे सिर्फ पूछता है, वो पूछता है जो फैक्ट होते हैं उनको। अब नोट्स किस तरीके से बनाएं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसे दो तीन तरीके के नोट्स बना सकते हैं हम, उसमें से जो पहला तरीका है उसमें हम आपको लेकर चलें। तो मान लीजिए आप कोई भी, अगर आप पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को, तो जो वन डे एग्ज़ाम होता है, ये विशेषकर उस चीज़ के लिए बता रहा हूँ, वन डे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपका जो एक दिन का एग्ज़ाम होता है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड जो इसका आपका एग्ज़ाम होता है, उस टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको अगर नोट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं अक्सर जो कहता हूँ आप लोगों से कि कोई भी अगर टॉपिक आपका आपका क्वेश्चन होता है, तो वो होता है कब, कहाँ और किसने। ये तीन फैक्ट होते हैं आपके वन डे एग्ज़ाम के लिए कि आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं उसमें आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। जैसे मान लीजिए कब, ये घटना कब हुई, या तो डेट पूछ लेगा आपसे, या ये कहाँ हुई, ये जो घटना थी ये कहाँ देखने को मिली, और उसके बाद ये किसने की, यानी कि कौन कौन उस घटना में आपके शामिल थे, या उसके बाद पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, उसके बाद ये क्रम भी आपका किसने में आ जाता है। इस तरीके की आपको नोट्स मेकिंग करनी है। क्योंकि देख लीजिए, जैसे आप अगर इसका इतिहास पढ़ते हैं, कहानियों का क्या होता है, अक्सर जैसे सारे जितने भी हमारे नए बच्चे हैं और जो पुराने लोग हैं, उन सभी को पता है कि एक बार हम कोई भी कहानी को सुनते हैं या पढ़ते हैं चीज़ों को, तो पढ़ने और सुनने के बाद हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमें कहानियाँ तो अक्सर याद होती हैं लेकिन फैक्ट याद नहीं होते हैं। फैक्ट ही रिवीजन करने हैं, कहानियाँ रिवीजन नहीं करनी है आपको, क्योंकि कहानियाँ रिवीजन करके आपका टाइम वेस्ट होगा और चीज़ों को आप लोग इतना क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए आप किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में, या आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ में, आप कहीं से भी अगर आप कंटेंट लेके आ रहे हैं, या आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किताबों से आप पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए इतनी मोटी किताब है ये, अब इस किताब को आप एक बार तो पढ़ सकते हैं लेकिन बार बार आप रिविज़न नहीं कर पाएंगे इतनी मोटी किताब का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फैक्ट जो आपने पन्ने A4 शीट के पेज होते हैं उसमें आप लोग बढ़िया से इनको बना लीजिए। करीबन एक टॉपिक में से आपको जो लगता है कब कहाँ किसने, ये टॉपिक आपने अगर उठा लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको पेपर से कुछ दिन पहले यानी कि एक हफ्ते के टाइम में भी आप उसको रिविज़न कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं, या फिर कोई अपनी और चीज़ों में एक्टिविटी में लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ में लगे हुए हैं, पेपर में लगातार समय नहीं दे पाते हैं किसी भी चीज़ को करने का, क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, लेकिन वो चीज़ हम नहीं कर पाते। लेकिन एक समय ऐसा होता है जीवन में जो आपको पढ़ाई को देना ही पड़ता है, तो उसी लिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपने 3 से 6 महीने अगर आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस तैयारी के अंतर्गत अगर आपने कब कहाँ किसने ये फैक्ट अगर आपने वहाँ से उठा लिए, तो उस तरीके से आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टॉपिक, जैसे मान लीजिए अब टॉपिक किस तरीके से क्लियर करना है। मान लीजिए आपको, मान लो फॉर एग्जांपल 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति को हमने कहाँ से जोड़ना है, हमने उत्तराखंड से भी जोड़ना है उसको, और जो जहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से अगर वो शुरू हुई थी, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें लेके चलनी है, उसके टॉपिक देखने हैं कि हाँ इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं करके, ठीक है। तो कब कहाँ किसने ये चीज़ यहाँ पर हो गई है आपकी क्लियर, उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखिए ये तो आपकी रही इसकी बात, अब अगर हम बात करें कि टॉपिक को क्लियर किस तरीके से किया जाएगा, जैसे आपके कुछ टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पॉलिटी के और हिस्ट्री के और सभी सब्जेक्ट के लगभग आपको टॉपिक्स दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसे टॉपिक की वीडियो दी जाएगी, लगभग 50 ऐसे टॉपिक जिसमें से अक्सर आयोग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आयोग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब उन सभी के आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, मान लो आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, आपने पढ़ा 1857 की क्रांति, ठीक है, आपने 1857 की क्रांति पढ़ ली, अब आपको घर में क्या करना है, उसके रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरीके से करना है, बुलेट नोट्स वन लाइनर फॉर्म में, कब कहाँ किसने, बस ये चीज़ें होगी घटना,
उससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं, फिर एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे संसाधन आजकल मिल चुके हैं। ऑनलाइन जब से हुई है चीज़ें तो आप सभी को पता होगा कि संसाधन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हम गूगल में सर्च मार के किसी भी टॉपिक के एमसीक्यूज देख सकते हैं, या फिर हम यूट्यूब में भी किसी के एमसीक्यूज देख सकते हैं किसी भी टॉपिक के। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आपके पास मेन चीज़ तो ये हो जाएगी, जो 3 से 6 महीने का आपने टाइम इसको दिया है उसके बाद आपको क्या करना है, चीज़ें बस रिविज़न के तौर पर लेनी है। वो रिविज़न आपका 1 से 1.5 हफ्ते में भी आपका यहाँ पर रिविज़न पूरा का पूरा हो जाएगा। और डेफिनेटली इतनी तो गारंटी है कि इतना ये चीज़ें करने के बाद आपके जितनी भी इतनी मोटी किताबों का जो भी आपके पास हैं, वो किताबें आपकी पूरी एक कॉपी में सिमट के रह जाएंगी इसमें। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतर आपका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और जितने नए बच्चे हैं, विशेषकर उन्हीं बच्चों से कहना चाहूँगा, आपको क्या करना है, शुरुआती दिन से ही, अभी से ही हर टॉपिक को यहाँ पे को इस तरीके से लेकर चलना है कि हाँ, इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके का बनेगा। खुद से क्वेश्चन करने की जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, तो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा क्लियर होंगी। जो आप कन्फ्यूज़न हो जाता है अक्सर बच्चों को 4 ऑप्शनों को देख के, वो कन्फ्यूज़न भी आपका यहाँ पे को देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करिएगा। तो और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। अपनी तैयारी यूँ ही करते रहिए और मेहनत करते रहिए। इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपके आने वाले जीवन में भी वो नोट्स काम आएंगे, क्योंकि ब्लड नोट्स हर किसी के पास होने चाहिए। और जो बच्चे अक्सर नोट्स नहीं बनाते हैं, तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि नोट्स बनाइए, क्योंकि पेपर के तुरंत पहले आप इतनी मोटी मोटी किताबों को नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास नोट्स होंगे, एक बार आपने उनका रिविज़न कर लिया है पहले से, तो अगर आप हल्का से भी उनको एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्या होंगी, रिकॉल हो जाएंगी। चीज़ें रिकॉल होंगी तो सीधी सी बात है, एग्ज़ाम में भी आप उनको 4 ऑप्शन देख के आपको कोई ना कोई वहाँ पे संभावना आ जाएगी कि हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है करके। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।